तो इनके घर में भी इनकी माँ बेटियां भी है, तो उनसे भी पूछना चाहिए जाके कि ये ऐसा चरित्र सही है, ये भी क्या चरित्र के सही है, फिर ऐसे इंसान को तो निकाल देना चाहिए पार्टी में से लोग को। बिल्कुल, आप तो पार्टी से निकालने की बात कह रही हैं, तो जायसवाल जी के पत्नी ने इनको निकाल देना चाहिए था घर से। हाँ, पत्नी ने भी निकाल देना चाहिए कि ऐसा चाहिए, इसका चरित्र ही नहीं लगता मुझे कुछ भी। बिल्कुल हाँ, और ऐसे ऐसे से लोगों का क्या फायदा है कि छोटे बच्चे भी बैठते हैं साथ में टीवी देखते हैं, वे भी क्या सोचेंगे आज के नौजवान लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, माँ बैठी रहती है साथ में बहने। बिल्कुल, धन्यवाद। और आप देखेंगे कि ये तो टीवी पर चलने के बाद की बात है, जायसवाल जहां बोल रहे थे अपने कोई लंगोटी यार के साथ बातचीत में हंसी मजाक की कोई बात नहीं थी, वैसे तो मजाक में भी पत्नी का ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं। आप देखिए वीडियो में कि किस तरीके से एक सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर माइक डायस लगा है, साथ में चेयर है, उस चेयर पर एक संत भी बैठे हुए हैं और सामने महिला पुरुष बच्चे पत्रकार कैमरे सब कुछ है, लेकिन मंत्री मस्ती में है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये लोग नेता बनने के लिए लायक ही नहीं, मंत्री क्या बनेंगे, ये लोग नेता बनने के लिए लायक ही नहीं। ये लोग हमारे जनतंत्र में, ये लोग वो अपने अपने हिसाब से अपना खुद का कमाई करने के लिए ये लोग घुस जाते हैं, लेकिन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये लोग मंत्री बनेंगे क्या, नेता बनने के लिए भी लायक नहीं। कभी कभी ये लोग ख्याल में अपनी असलियत को बाहर में बोल लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं उनकी भी राय। मैं केडी पांडे झांसी से सर ये कह रहा हूँ, हमारे भारत समाज में बच्ची जब जन्म लेती है तो उसे देवी, उसका नाम जब रखा जाता है, नामकरण होता है, तो उसके नाम के साथ देवी लगता है, अंत तक वो अपने सौ पर जाते हुए तक वो देवी ही रहती है। हमारे भारतीय समाज में चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, देवी है, हमेशा पूजनीय है। जिस घर में ऐसा कहते हैं कई पीढ़ियों से, अगर कहीं बच्ची ने जन्म नहीं लिया किसी परिवार में तो कहते हैं इस घर का उद्धार नहीं है, इससे परमात्मा नाराज है। और इसी प्रकार जायसवाल इस कानपुर शहर के रहने वाले हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि झांसी की रानी का जो पालन और पालन पोषण हुआ वो कानपुर में हुआ, उस समाज से हैं ये, उस शहर से हैं, इन्हें तो चिल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरीके से कहते हुए। जब जितने ज्यादा दिन होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, पत्नी का लगाव बढ़ता जाता है, उसकी सोच समझ हमारे साथ बढ़ती जाती है, तो अब उसकी सजा हम अपनी सजा सुनते हैं, ये तो जबरदस्ती की बात करते हैं, मजे की बात करते हैं, ये तो बहुत खराब आदमी है, इन्हें तो चुल्लु पर पानी में डूब मरना चाहिए। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। और भी कई कॉलर है, कई एसएमएस, कई फेसबुक की प्रतिक्रिया हम तक पहुंच रही है, दुनिया भर के दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव चैट कर रहे हैं और एक तरीके से चाटा मार रहे हैं मंत्री के इस हरकत का। मैं नरेश जी के पास दोबारा जाऊंगा। नरेश जी, आपने लोगों की प्रतिक्रिया देखी, लोग भी किस तरीके से नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं और मंत्री के इस बयान का खंडन कर रहे हैं या उनकी इस हरकत का निषेध कर रहे हैं। सूरज जी, किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है कि जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो, सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री की ऐसी सोच हो, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। तो इस प्रकार की घोर विनाशात्मक सोच रखने वाले मंत्री को शायद तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भारत की सभी महिलाओं में, माताओं, बहनों, बेटियों में इसके प्रति घोर नफरत और गुस्सा पज रहा है और कई पार्टियां, कई सामाजिक संस्थाएं देश में अनेक जगह अपना गुस्से का प्रदर्शन कर रही हैं। आज महिलाएं जहां आगे बढ़ रही हैं, आज महिलाएं चांद पर जा रही हैं, आज महिलाओं ने कितना विकास कराया, पायलट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, यहां तक कि आर्मी में भी हैं, हर तरह पर महिलाएं कितनी आगे हैं। और यहां मतलब किसी की महिला, हम कहते हैं शादी की 25वीं वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ 75वां, है ना, उसको हम बड़ा दिव्य तरीके से मनाते हैं। तो मतलब जितना पुराना हुआ उतना और सम्माननीय हुआ। तो उस कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, वो एक वो है कि जितना पके सो मीठा होए, जितना किसी का विद्वानता है, जितना मस्तिष्क
उज्ज्वल होता है, हमें सिर्फ शरीर को नहीं उसके अनुभवों को, उसके मस्तिष्क को, उसके ज्ञान को। बिल्कुल। तो जितना यहां पर एक एसएमएस आया है कानपुर से ही, शबनम एसएमएस करती है कानपुर से, कहती है कि मंत्री के लिए मजा का कंसेप्ट क्या है, जरा और उनको पूछिए। हम प्रयास करेंगे कि जायसवाल का जी को भी हम फोन लाइन पर ले ले और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको दिखाया। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से माफी मांगी है वो भी आक्षेपार्ह है, उन्होंने इफ बट लगाकर माफी मांगी है, जिसके ऊपर भी निषेध होना चाहिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है। देखिए, चेहरे के पीछे छुपी हकीकत। वैसे तो जायसवाल जी ने अपने बयान को मजाक में दिया हुआ बयान बताया है, लेकिन इससे कई बातों का पता चलता है।